जिसमें पहला चैप्टर है कंप्यूटर ए मशीन। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, मशीन मतलब होता है यंत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। इसके अंदर क्या पढ़ना है, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का क्या परिचय है, परिचय मतलब इसका कहाँ खोज हुआ, कहाँ इसका जो है प्रयोग होता है, यही सब पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद है नेचुरल थिंग्स, इसका जो है प्राकृतिक क्या है। तीसरा है मैड मशीन, ये जो आदमी के द्वारा बनाया गया है किस प्रकार से बनाया गया है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूज ऑफ मशीन, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझना है, सुनना है। दिस इज ए कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। जो ये चित्र दिखाया गया है ये कंप्यूटर का जो है चित्र है, जिसको हम संगणक नाम से जानते हैं। इट इज ए मशीन, यह एक यंत्र है। इट इज ए मैड थिंग, ये आदमी के द्वारा बनाया गया वस्तु है। अगला जो है प्रेस्ट, देयर आर मनी थिंग्स डैट यू सी अराउंड यू, सम आर नेचुरल थिंग्स एंड सम आर मेड बाय मैन। ये जो है चारों ओर इसका जो है प्रयोग किया जाता है और यह एक प्राकृतिक के द्वारा इसको हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्रकृति में है उसको हम जानकारी आदमी को हम प्राप्त कर सकते हैं, या मतलब मानव जो है इसको हम जानकारी विशेष रूप से ये प्राकृतिक जानकारी के बारे में हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नेचुरल थिंग्स, ये जो प्राकृतिक के द्वारा जो वस्तु है जैसे कि वेजिटेबल्स, ट्री, ब्रड, एनिमल, फ्रूट्स, फ्लावर्स। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी, जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं ये प्राकृतिक हो गया। ट्री मतलब पेड़, ये प्राकृतिक का देन है। ब्रड चिड़िया, ये प्राकृतिक का है। एनिमल जानवर है जो प्राकृति है। फ्रूट्स फल है। फ्लावर्स फूल है। ये सब जो है जितने भी वस्तु है ये प्राकृतिक है। मैड थिंग, आदमी के द्वारा जो बनाया गया वस्तु है, जैसे हो गया चेयर, ये कुर्सी जो है आदमी के द्वारा बनाया जाता है। बुक्स किताबें जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। टेबल बैग पेंसिल एंड इरेजर। शूज, जितने भी वस्तु है, जूता हो, पेंसिल हो, बैग हो, ये सब जो है आदमी के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टेप मशीन। मशीन जैसे हो गया पंखा जिसको फैन हम बोलते हैं, कार गाड़ी हो गया, टेलीफोन दूरभाष, जितने भी ये रेडियो कैमरा, ये सब जो है इसके अंदर मशीन रहता है, इसको हम मशीन नाम से गिनती करेंगे और ये सब मशीन में आएगा। अगला जो है मशीन हेल्प यूज लोड, इसका जो है हेल्प मतलब सहायता किस प्रकार से लेंगे। जैसे मशीन सेव आवर टाइम, ये मशीन जो है हर समय हम लोग का जो है उपलब्ध रहता है और हम जो है कहीं आएंगे जाएंगे जाने के लिए जो सवारी के लिए जो हम प्रयोग करेंगे यही मशीन से, मतलब जो है इसके द्वारा हम जो है कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। अगला है मशीन्स डू आवर वर्क फास्टर, ये जो है बहुत तेज गति से काम कर सकता है। मशीन्स आवर वर्क इजी, बहुत आसानी से काम कर सकता है मशीन जो है, बहुत आसानी से कम समय में जो है काम कर सकता है। मशीन वर्क परफेक्टली एंड करेक्टली, ये जो है बहुत सही तरीका से काम करके हम लोग को दे सकता है।
अगला है कैसे हम लोग इसको हम याद करने का योग्य है, कंप्यूटर इज ए मैड मैड मशीन। कंप्यूटर जो आदमी के द्वारा बनाया गया मशीन है। मशीन हेल्प यूज मनी वेज मशीन मैक आवर वर्क कीजिए। बंद कर दीजिए। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी, जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं ये प्राकृतिक हो गया। ट्री मतलब पेड़, ये प्रकृति का देन है। बर्ड चिड़िया ये प्रकृति का है। एनिमल जानवर है जो प्रकृति है। फ्रूट्स फल है। फ्लावर्स फूल है। ये सब जो है जितने भी वस्तु है ये प्राकृतिक है। मैड मैड थिंग आदमी के द्वारा जो बनाया गया वस्तु है, जैसे हो गया चेयर, ये कुर्सी जो है आदमी के द्वारा बनाया जाता है। बुक्स किताबें जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। टेबल बैग पेंसिल एंड इरेजर। शूज जितने भी वस्तु है, जूता हो पेंसिल हो बैग हो, ये सब जो है आदमी के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टेप मशीन। मशीन जैसे हो गया पंखा जिसको फैन हम बोलते हैं, कार गाड़ी हो गया, टेलीफोन दूरभाष जितने भी ये रेडियो कैमरा ये सब जो है इसके अंदर मशीन रहता है, इसको हम मशीन नाम से गिनती करेंगे और ये सब मशीन में आएगा। अगला जो है मशीन हेल्प यूज लोड। इसका जो है हेल्प मतलब सहायता किस प्रकार से लेंगे, जैसे मशीन सेव आवर टाइम, ये मशीन जो है हर समय हम लोग का जो है उपलब्ध रहता है और हम जो है कहीं आएंगे जाएंगे जाने के लिए जो सवारी के लिए जो हम प्रयोग करेंगे यही मशीन से मतलब जो है इसके द्वारा हम जो है कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। अगला है मशीन्स डू आवर वर्क फास्टर, ये जो है बहुत तेज गति से काम कर सकता है। मशीन्स वर आवर वर्क इजी बहुत आसानी से काम कर सकता है। मशीन जो है बहुत आसानी से कम समय में जो है काम कर सकता है। मशीन वर्क परफेक्टली एंड करेक्टली, ये जो है बहुत सही तरीका से काम करके हम लोग को दे सकता है। अगला है जैसे हम लोग इसको हम याद करने का योग्य है, कंप्यूटर इज ए मैड मैड मशीन। कंप्यूटर जो आदमी के द्वारा बनाया गया मशीन है। मशीन हेल्प यूज मनी वेज मशीन मैक आवर वर्क कीजिए। बंद करिए।